नदी का पानी अपने पूरे उफान पर था। नदी की उस तेज धार में लहरों से लड़ती गर्भवती सुमित्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत थक गई थी और दूसरा उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी। आ, 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 हे भगवान, आ, आ। कुछ देर बाद पानी में ही सुमित्रा ने तीन बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बच्चियों को जन्म देते ही वो लहरों का शिकार होकर दूर बहती हुई निकल गई। आ, मेरी बच्चियां। सुमित्रा की मौत हो गई। उधर कुछ ही दूरी पर तैर रही एक विशालकाय मछली की नजर पानी के बीच उन बच्चियों पर पड़ी। मछली तेजी से उनकी ओर बढ़ी। बच्चियां लगातार रोई जा रही थी। कुछ देर बाद वो मछली उन बच्चियों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और तीनों को निगल गई। अगले दिन की बात है, नदी के दूसरे किनारे पर हीरा मांझी नाम का एक मछुआरा मछली का जाल नदी में फेंक कर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। कई दिनों से केवल छोटी मछलियां ही जाल में फंस रही हैं, और वो भी थोड़ी। अचानक हीरा को अपने जाल में कुछ हलचल महसूस हुई। वो अपने जाल को खींचने लगा। अरे, जाल तो बहुत भारी लग रहा है। इसे खींचने में मेरा दम फूल रहा है। लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। हीरा ने अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचा और उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, हे इतनी बड़ी मछली। सही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फार कर देता है। मजा आ गया, इसके तो बाजार में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हीरा उस मछली को लेकर मछली बाजार में गया। मछली बाजार में जिसने भी उस मछली को देखा वो आश्चर्य में पड़ गया। वाह हीरा भाई, क्या किस्मत पाई है तुमने, इतनी बड़ी मछली तो हमारे हाथ कभी नहीं लगी। क्यों नजर लगा रहे हो भाई, और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि ऐसी मछली हर दिन मेरे हाथ लगती है। पिछले कई दिनों से छोटी छोटी मछलियों से ही गुजारा चल रहा था मेरा। यह तो आज जल देवी की मेहरबानी हो गई और मेरे जाल में यह फंस गई। उसके बाद हीरा बाकी लोगों की तरह अपनी मछली को बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। मछली ले लो, मछली, सबसे बड़ी मछली। मछली बाजार में उस दिन शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ गोविंद राय भी एक बड़ी मछली की तलाश में आए थे, क्योंकि आज उनके यहाँ एक भोज था जिसमें वो गरीबों को मछली और भात खिलाने वाले थे। हाँ, काफी देर हो गई, लेकिन जितनी बड़ी मछली मुझे चाहिए थी वो मिली नहीं रही। लगता है छोटी छोटी मछलियां ही लेकर जाना होगा। तभी गोविंद राय की नजर हीरा और उसकी मछली पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उसके पास गए। अरे भाई, तुम्हारी मछली तो बहुत बड़ी है, मुझे इसी की जरूरत है, कितने का दिया ये? हीरा की नजर गोविंद राय पर पड़ी तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। अब शहर का सबसे अमीर आदमी उसके पास खड़ा था तो किसी का भी दिल मचल जाता। उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि साहब, 10,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा, बहुत मेहनत से पकड़ा है मैंने इसे। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए और ये मछली मेरी गाड़ी में रख दो। गोविंद राय उस मछली को लेकर घर आ गए और अपने नौकरों से उसे बनाने के लिए बोला। लेकिन जैसे ही उनके नौकर ने मछली का पेट फाड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो भागता हुआ गोविंद राय के पास गया। गोविंद राय उस समय अपनी पत्नी शांति के पास बैठे कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। ये क्या कह रहे हो तुम, मछली के पेट में इंसान का बच्चा, ये कैसे हो सकता है? मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, एक नहीं तीन तीन बच्चियां मछली के पेट में हैं। गोविंद राय और उसकी पत्नी रसोई की ओर भागे और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। तीन छोटी छोटी मासूम बच्चियां मछली के पेट में पड़ी रो रही थी। शांति और गोविंद राय ने तुरंत उन बच्चियों को गोद में उठा लिया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके घर में वो अनमोल चीज आ गई जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से परेशान थे। भगवान भी अद्भुत लीलाएं दिखाता है, देखिए आज उन्होंने मेरी गोद भर दी, एक नहीं तीन तीन बच्चियां उन्होंने हमें दे दी, जिसके लिए हम पिछले 10 सालों से कहां कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। सच में भगवान अद्भुत लीलाएं ही तो दिखाता है। इन तीन बच्चियों को मारने की पूरी साजिश हुई, लेकिन ये जिंदा थी और शहर के सबसे अमीर आदमी के घर में थी। इन्हें मारने की साजिश रचने में इन बच्चियों के परिवार वालों का हाथ था। इनकी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सुमित अपनी पत्नी काम्या, अपनी माँ विमला देवी, अपने पिता राजेंद्र नाथ और अपनी बहन कनिका के साथ पूरी स्पीड में कार से नदी की ओर चला जा रहा था।
उन दिनों अत्यधिक बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वे सभी नदी के किनारे पहुंचे। वैसे तो इस तरफ कोई नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों नदी का पानी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम लोग नजर रखो। ठीक है भैया। उसके बाद सुमित अपनी कार से बाहर निकला। उसके साथ उसकी पत्नी काम्या भी थी। वो दोनों गाड़ी के पीछे डिक्की के पास गए। सुमित ने डिक्की खोली। डिक्की में एक बॉक्स रखा था। सुमित और काम्या उस बॉक्स को निकालने की कोशिश करने लगे। सुमित, ये तो बहुत भारी है। हाँ, भारी तो है। सुनो ना, इस बॉक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके अंदर से उसे निकाल देते हैं, बाद में इस बॉक्स को भी यही नदी में फेंक देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुमित और काम्या ने बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक गर्भवती औरत जिसका नाम सुमित्रा था, वो अचेत अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने उसे संभाल कर निकाला और नदी के किनारे ले गया। मारो इसे धक्का और पाओ मुक्ति। उसके बाद काम्या और सुमित ने गर्भवती सुमित्रा, जो सुमित की पहली पत्नी थी, उसे नदी में धक्का दे दिया। काम्या सुमित की दूसरी पत्नी थी। सुमित और उसके परिवार वालों को लड़के की चाहत थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि सुमित्रा के पेट में लड़कियां हैं और वो भी एक नहीं तीन तीन, तो देखो, मैं और मेरा पूरा परिवार नहीं चाहता कि तुम इन बच्चियों को जन्म दो, इसलिए तुम इसे कोख में ही मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक माँ अपने बच्चों को मार दे, ये कैसे हो सकता है? भाभी, भैया जो कह रहे हैं वो करिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। सुमित बेटा, मैंने कहा था ना कि ये पागल है, कि ये हमारी बात नहीं सुनेगी। तुम दूसरी शादी की तैयारी करो अब। उसके बाद इसका और इसकी बच्चियों का क्या करना है वो बाद में तय करेंगे। सुमित ने काम्या के साथ दूसरी शादी कर ली और उस दिन के बाद से तो सुमित के परिवार वालों और खुद काम्या ने उसका जीवन नरक बना दिया। वो ना तो उसे ठीक से खाना देते, ना ही पहनने को कपड़े। ऊपर से पूरा परिवार उसे बेरहमी से मारता था। सुमित, मेरे तो हाथ ही थक गए, अब तुम्हें इसकी हेकड़ी और इसे घर से निकालो। आप लोग मार मार कर मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? हाँ, नहीं जाओगी? रुको, तुम्हें बताता हूँ। माँ, जरा मोमबत्ती जलाकर तो ला। बेरहम सुमित न सिर्फ मोमबत्ती की लौ से उसके चेहरे और शरीर को जलाता, बल्कि उन घावों पर नमक और मिर्च भी डालता। सुमित्रा बेचारी चीखती और चिल्लाती, आ, आ, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, बहुत जलन हो रही है। दर्द से कराते कराते वो बेहोश हो गई। उसके बाद, सुनिए जी, ये मार खाती रहेगी लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी। क्यों ना इसे हम एक लकड़ी के बक्से में डालकर नदी में फेंकाए, एक बार में सारा का सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने वही किया। बहरहाल समय का पहिया आगे बढ़ता गया। सुमित्रा की तीनों बेटियां, जिसका नाम गोविंद राय और उसकी पत्नी ने लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती रखा था, बहुत ही प्यार से उनके यहाँ अच्छे संस्कारों के साथ पलने लगी। इस बीच सुमित की पत्नी काम्या ने एक लड़के को जन्म दिया। सुमित और उसका परिवार तो बेटा चाहता ही था, इसलिए उसके जन्म के बाद तो घर में खुशियों का त्योहार मनाया जाने लगा। वाह काम्या, वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर बेटा पैदा हुआ है। बेटा, हम इसे युवराज की तरह पालेंगे और इसका नाम भी होगा युवराज। सुमित और उसका परिवार युवराज से बहुत प्यार करता। उसकी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी की जाती। समय और आगे बढ़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ा, युवराज की डिमांड भी आगे बढ़ी। वो इतना जिद्दी हो गया कि अगर कोई उसकी एक बात नहीं मानता तो आफत आ जाती। युवराज के 21वें जन्मदिन की बात है। ए बुढ़िया, ज्यादा दिमाग मत दे मुझे, हाँ समझी, नहीं तो एक लात मारूंगा, इस घर से निकाल दूंगा। युवराज बेटा, अपनी दादी से क्या कोई ऐसे बात करता है? देखो माँ, तुम भी मुझे मत सिखाओ कि कैसे बात करनी है या नहीं करनी है। मुझे ये बाइक चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं इस बुढ़िया की किडनी बेच दूंगा। अरे मेरे पोते, ऐसा क्यों कह रहा है? अब तक ऐसा हुआ है कि तुमने जो मांगा वो नहीं मिला, लेकिन वो क्या है ना कि अभी तुम्हारे पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए। अरे तो फिर बुआ को बोलो ना, नाचने का काम करे, नाचने वाली को बहुत पैसे मिलते हैं। कल ही मैं 20,000 रुपए नाचने वाली को देकर आया हूँ। अपने परिवार के लाड प्यार में युवराज पूरी तरह बिगड़ गया था। दुनिया की हर बुराई उसके अंदर आ गई थी। वो नशा करता, चोरी करता, जुआ खेलता, नाच देखने क्लब में जाता, पापा के ऑफिस से पैसे चोरी करता। युवराज, युवराज, तुमने आज ऑफिस से फिर 50,000 रुपए बिना मुझसे पूछे लिए। इसमें पूछना क्या पापा, हाँ मैं कोई नौकर हूँ क्या कि पूछूं? इस घर का मालिक हूँ ना। हाँ हो तो मालिक, लेकिन इस तरह हजारों हजारों रुपए कहाँ खर्च करते हो? क्या पापा, क्या बकवास सवाल कर रहे हो, हाँ जवाब दूं? अय्याशी करता हूँ, चलिए कभी मेरे साथ चलिए, क्या दिन भर बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं,
सुमित काफी दिनों से अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज तो हद हो गई। इसलिए उसने गुस्से में उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखिए पापा, अब बाप है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो करेंगे मैं सह लूंगा। हाथ मेरा भी उठ सकता है, इसलिए हाथ संभाल कर रखिए, नहीं तो तोड़ दूंगा। युवराज की इस बेशर्मी पर पूरे परिवार को गुस्सा आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि युवराज को बिगाड़ने में उनका ही हाथ था। कई बार तो युवराज के दादा और दादी ने ये भी कहा कि अगर पोता ऐसा होता है तो इससे अच्छा था कि भगवान हमें पोती ही दे देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। एक दिन युवराज ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चोरी से करवा ली और उन सभी को घर से निकाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये पापा हैं तुम्हारे। माय डियर लेडी, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मुझे पैसों से यारी है, प्रॉपर्टी से यारी है, और अब ये सब कुछ मेरा है। इसलिए एक मिनट के अंदर सभी के सभी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। समय बहुत बलवान है। समय के चक्र ने सुमित और उसके परिवार के सामने ये स्थिति ला दी कि उन्होंने मंदिर के आगे भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि सुमित और काम्या दोनों के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। विमला के पति का देहांत हो गया था। सुमित की बहन कनिका के शरीर में भी बड़ा सा घाव हो गया था जिसमें कीड़े बुलबुलाते रहते थे। इस बुढ़िया को कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। एक दिन की बात है, वे सभी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। तभी वहां पर लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती आई। ये वही दिन था जब सेठ गोविंद राय को तीनों बच्चियां मछली के पेट में मिली थी। इस कारण वो इस दिन उन बच्चियों का जन्मदिन मनाते थे और गरीबों को ढेर सारा दान किया करते थे। गोविंद राय ने तीनों बच्चियों की बहुत अच्छे से परवरिश की थी। लक्ष्मी डॉक्टर थी, दुर्गा पुलिस में थी और सरस्वती अपने पिता का बिजनेस संभालती थी। जब तीनों बच्चियां दान कर रही थी तभी उनकी नजर सुमित के परिवार पर गई। उसे देख उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने उन्हें भी ढेर सारी खाने की चीजें और कपड़े दिए। साथ ही सुमित की माँ की ओर देखकर उन्होंने कहा, दादी माँ जी, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, आप जैसे लोगों के लिए मैंने अस्पताल खोला है जहाँ मैं मुफ्त में इलाज करती हूँ। कृपया मुझे मौका दें कि मैं आपके परिवार वालों का इलाज कर सकूं। सुमित की माँ ने जब उन बच्चियों की ओर देखा तो पता नहीं उन्हें देखकर ऐसा क्यों लगा कि उनकी मरी हुई बहू उनके सामने आ गई है। बहरहाल अगले दिन वो अपने बेटे, बहू और बेटी को लेकर लक्ष्मी के अस्पताल में गई। वहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। वहीं सुमित की माँ को पता लगा कि सालों पहले सेठ गोविंद राय को ये बच्चियां मछली के पेट में मिली थीं। हो ना हो, ये सारी बच्चियां सुमित्रा की हैं। इनके नए नक्श उससे मिलते हैं। सालों पहले कितनी बड़ी भूल हो गई थी हमसे, जिस बेटे के चक्कर में हमने अपनी गर्भवती बहू को नदी में फेंका था, आज उसी की बच्चियां हमारे काम आ रही हैं। विमला देवी ने उन बच्चियों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किस मुंह से कहती कि उन लोगों ने ही उनकी माँ को मारा है और उन बच्चियों को भी मारने की कोशिश की थी। बहरहाल लक्ष्मी के इलाज से सुमित, काम्या और कनिका की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन विमला देवी ने उन बच्चियों की असलियत उन्हें बताई। उन सभी की आंखों में आंसू थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मंगलू की पत्नी ने 4 दिन पहले एक लड़की को जन्म दिया है जिसे जितनी बार वो देखता उसका सिर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छिपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4-4 बच्चे पहले से ही है और अब ये आ गई। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। मंगलू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती, कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी मंगलू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है, मंगलू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकी। उस कार से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिनका नाम सुदर्शन वर्मा था उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? सुदर्शन की बातों को सुनकर मंगलू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, कन्या? हाँ, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है, वैसे क्या तुम मुझे वो कन्या दे सकते हो? ऐसा है कि मैं निसंतान हूँ और मैं तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहता हूँ। मंगलू थोड़ी देर फिर से सुदर्शन की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, किसी तरह अपने परिवार के 2 जन की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरी ये बेटी हुई है मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं, आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा,
मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। मंगलू ने सुदर्शन को अपनी बेटी दे दी। सुदर्शन ने बच्ची को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। सुदर्शन ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्ची को गोद में उठाया और नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा हो गया। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथ से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर सुदर्शन ने उस छोटी सी बच्ची को पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया। सुदर्शन एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में जो कह देते वो हो जाता। उनका कहा कभी नहीं बदलता। कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने इकलौते बेटे श्याम सुंदर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरे इकलौते बेटे का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर की बेटी से होगा? सुदर्शन ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़की को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे मंगलू की बेटी आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस लड़की को। दूसरी ओर वो छोटी बच्ची पानी के बहाव के साथ बही जा रही थी। वहीं नदी के किनारे बसे एक गांव की मछुआरिन विमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रही उस बच्ची पर पड़ी जो बेचारी लगातार रोई जा रही थी। अरे ये किसकी बच्ची है? किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? विमला ने उस बच्ची को लहरों से निकाला। वो बेचारी बच्ची लगातार रोई जा रही थी। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटी, मत रो। विमला के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। विमला ने उसका नाम मीरा रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। मीरा अब 21 साल की हो गई थी। इस बीच विमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी सुदर्शन का बेटा भी अब जवान हो गया था। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रहा था तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। तूफान और बारिश का वेग और बढ़ता गया और उनकी नाव डूबने लगी। श्याम सुंदर पानी के बहाव में कुछ देर तो हाथ पांव मारता रहा, फिर थक कर बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहने लगा। उधर दूसरी ओर मीरा उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रही थी। तभी उसे श्याम सुंदर पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है? कौन बहता हुआ आ रहा है नदी के बहाव के साथ? मीरा तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गई और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। श्याम सुंदर को जब होश आया तो उसने खुद को मीरा के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? तब मीरा ने श्याम सुंदर को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर श्याम सुंदर का दिल मीरा के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। मीरा ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद श्याम सुंदर मीरा को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़की कौन है? इसका कुल क्या है, खानदान क्या है? तब मीरा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन सुदर्शन ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा। हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपने बेटे के जीवन से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मैं कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद श्याम सुंदर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, तो सुदर्शन ने मीरा को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटी, अपने लिए नहीं लेकिन मेरे इकलौते बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगी जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरे बेटे के जीवन को खतरे में डाल दोगी? बोलो बेटी। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपने पुत्र की और तुम्हारी कुंडली देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटी, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं। अगर तुम उसे छोड़कर
हमेशा के लिए चली जाओ तो। अपने पति की खातिर मीरा उस शहर को छोड़कर मायागंज नाम के दूसरे शहर में चली गई। कई दिन तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और एक दिन वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसके सामने सरजू मांझी नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा था जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटी और कहां से आई हो? तब मीरा ने उसे सारी बातें बताई। उसकी बात को सुनकर सरजू मांझी ने कहा, बेटी जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था तो उसे तुम कैसे बदल सकती हो। वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। मीरा सरजू के साथ रहने लगी। वो उसी के साथ सांप का खेल दिखाती, यही नहीं उसने सरजू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी तुम में गजब की प्रतिभा है, मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच सुदर्शन और श्याम सुंदर मायागंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद सुदर्शन और श्याम सुंदर एक कमरे में सोए हुए थे, तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने श्याम सुंदर को काट लिया। श्याम सुंदर दर्द से कराह उठा, पिताजी पिताजी मुझे सांप ने काट लिया है, आ, 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 आ। यह बोलते ही श्याम सुंदर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो अचेत हो गया। सुदर्शन ने अपने पुत्र की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई, तभी किसी ने उसे सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब सुदर्शन ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है, वहीं पर सरजू मांझी नाम का एक सपेरा रहता है, कहते हैं उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है, हमें श्याम सुंदर को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वे सभी सरजू के घर पहुँचे। सरजू को उसने सारी बातें बताई, तब सरजू ने कहा, देखिए अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ लेकिन मेरी बेटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने मीरा को आवाज दी। मीरा को देखते ही सुदर्शन की आंखें फटी रह गईं। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। मीरा अपने ससुर को पहचान गई। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई और उसका लेप श्याम सुंदर को लगाया। उसकी जान बच गई। जैसे ही श्याम सुंदर को होश आया और उसने अपने सामने मीरा को देखा तो, मीरा तुम जिंदा हो, लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गया हुआ था तो कोई जंगली जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर मीरा ने अपने ससुर की ओर देखा तो सुदर्शन ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर मीरा का, मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा लेकिन मैं हार गया, मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद सुदर्शन ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर श्याम सुंदर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब मीरा ने अपने पति से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।